Hotel, the Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suites, Presidential Suites, Bed, Dormitory, Huge Parking Space, Ganradev Road, Sagar. स्वागत वंदन करता हूँ कार्यक्रम की सूचना समझे थी सप्ताह 5-7 मिनट विलंब से पहुंचा उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मंडला विधानसभा से मुझे आप सबके बीच में आने का या मुझे बुलाने का जो अवसर मिला आपके माध्यम से हमारे जो बंडा विधानसभा का पिछड़ेपन का कारण रहा हो, हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैमनस्यता, जातिवाद, भेदभाव, इन सब विषयों को लेके संपूर्ण विकास की जो अवधारणा रहती है मध्य प्रदेश के अंदर जैसी अन्य विधानसभाओं में जिस गति से स्वतंत्रता के बाद विकास हुआ है, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि बंडा विधानसभा क्षेत्र में वो विकास अछूता रह गया और उसके पीछे या तो जातिगत राजनीति कारण रहे, पिछड़ापन का कारण भी रहा, वो भी राजनीति इच्छा शक्ति के बिना हुआ। मुझे लगता है कि आपके बीच में बहुत से ऐसे विषय रहेंगे जो हम जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से वादा भी करेंगे, विश्वास भी दिलाएंगे कि आने वाला समय यदि बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जो हमारा पिछड़ेपन का कारण या जो समग्र विकास होना चाहिए था उस विकास में हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारा क्या विजन है, उस विजन को आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की उस कोटि कोटि जनता के बीच में जो ईश्वर के रूप में है मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा और पहुंचाने के साथ भी मैं वादा भी करूंगा कि उन कामों के लिए जो मैं आपके बीच के माध्यम से पहुंचाऊंगा, प्रशासनिक कार्य के लिए ज़रूरी होते हैं, जनता सेवा में तो सभी करते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से जनता की सेवा करना है तो करते रहते, लेकिन एक अधिकार के पूर्व यदि उस क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए पद सत्ता मिले ना मिले लेकिन अधिकार पूर्ण पद मिलता है, आपके पास अधिकार रहते हैं, कर्तव्य रहते हैं, तो आप उन अधिकारों का निश्चित रूप से विधानसभा स्तर पर अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी दमदारी से विषयों को रखते हैं। मैंने पूर्व में देखा कई भी विरोधी दल के विधायक रहे, चाहे वो रैली क्षेत्र का हो, विषय आता हो, भार्गव सम्मानी पंडित भार्गव जी का क्षेत्र हो या अन्य कहीं ऐसे क्षेत्र है, मैंने देखा कि उनके यहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन बंडा विधानसभा क्षेत्र में जो भी सरकारें रही 2003 के पूर्व की सरकार है या 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनकी सरकार की हम मुझे लगता है मैं देखता रहा, जिसमें दल में रहा उस दल में भी मुझे काम करने का अवसर मिला और उन विषयों को बहुत ताकत से पहुंचाने का प्रयास किया। मैं पद ना होते हुए ना विधायक रहा लेकिन छोटे छोटे पदों पर रहा, जनता अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष या अन्य किसी माध्यम से, संगठन के माध्यम से बहुत कुछ मैंने प्रयास किया था, वो कुछ कराया भी है बंडा क्षेत्र में जो मेरे अधिकार रहे उस दौरान, लेकिन मन में पीड़ा रहती थी, काफ़ी कष्ट रहता था कि इसके बावजूद भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने इतनी क्षमता और ताकत से बंडा विकास को उस कल्पना से क्यों दूर रखा, उस विकास से क्यों नहीं सीखा जहाँ दूसरे क्षेत्रों में हो रहे थे, अपनी बात को नहीं पहुँचाया, सिंचाई की सुविधा को लेकर हो, किसानों की सिंचाई की सुविधा को, पेयजल की सुविधा को लेकर हो, स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी ऐसा क्षेत्र स्वास्थ्य का विषय हो जो कि जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, उन विषयों को लेके हमारे शेषन साजी में काफ़ी बंडा से दूर पड़ता है, वहाँ पर अस्पताल की स्थापना होना चाहिए थी लेकिन किसी कारण से क्यों नहीं हो पाई,
में चुने हुए प्रतिनिधि जो रहे ये तो बेहतर वो बता सकते आखिर क्या कारण रहा। हमारे बीच में अभी उल्लन परियोजना आप सबको बताए उल्लन डैम परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पर विस्थापित किसानों के लिए विस्थापित परिवारों के लिए आज भी उचित मुआवजा नहीं मिल पाया, उचित स्थान भी नहीं मिल पाया। ये भी मेरे मन में पीड़ा थी कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे बड़ा कनवा क्षेत्र में छात्रों के लिए शिक्षा का ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां पर उच्च शिक्षा के लिए वो अपनी भविष्य के भविष्य तैयार कर सके। वहां पर काफ़ी बार बड़ा के लिए कहा गया, मंच से भी कहा गया, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये भी बहुत बड़ा विषय रहा। बीनापुर क्षेत्र में खनिज का बहुत बड़ा स्पॉट है आप सबको पता होगा, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा उद्योग नहीं लगाया गया जो रोजगार के अवसर पैदा कर सकें, जिससे पिछड़ापन हमारा दूर हो, व्यवसाय क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा उससे। तो वो भी नहीं हो पा रहा, क्या होगा नहीं। आप सबको पता है कि सोनाई में एक फैक्ट्री है, उससे वहाँ का वातावरण भी दूषित हो रहा, वहाँ का पानी भी पर्यावरण भी खराब हो रहा, वहाँ पर लोगों के लिए आने वाले समय काफ़ी तकलीफ भी हो रही। जीवन यापन घर में कैसे व्यतीत करते होंगे मैं तो देखता हूँ, काफ़ी कष्ट होता है। उनकी फसलों को जाके आप देखिए तो आज भी ठंड के समय पर इतनी दृष्ट जम जाती है तो उतने जितनी मात्रा में और वहाँ पर उत्पादन होना चाहिए लागत से भी आधा उत्पादन नहीं निकल पा रहा इस सोने फैक्ट्री से। ये क्या कारण रहा, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही उसको विस्थापित करने के लिए। जिस उद्देश्य से सोने फैक्ट्री का निर्माण किया गया था उर्वरक खाद के लिए किया गया था, आज वहाँ पर उर्वरक खाद तो कम बनाया जा रहा लेकिन केमिकल का निर्माण होना शुरू हो गया। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं से राजनेताओं का या जो उस क्षेत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही, वो जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। ये भी बहुत बड़ा विषय है। हमारे क्षेत्र में इतना पिछड़ापन है, पलायन की वो स्थिति है। यदि आप जाके सर्वे करें बुंदेलखंड में, बंडा विधानसभा एक तीसरी ऐसी विधानसभा है जो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ी है पबई के पास, लेकिन इतना पलायन वहाँ पर देखते हम गांव-गांव में, कई गांव तो वीरान पड़े हुए। यदि आप पत्रकार महोदय कभी आप लोगों का जाना भ्रमण होता रहता होगा आपने देखा भी होगा हमारे आदिवासी वाले बाहुल्य क्षेत्रों में, हमारे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में, पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रों में ऐसे भी कई परिवार हैं जो वर्षों तक अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ मिलने का प्रयास नहीं किया। हमारे क्षेत्र में बंडा विधानसभा क्षेत्र में वनोपज के भी कई ऐसे साधन हैं, काफ़ी वनोपज संपदा है जहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते थे, लघु उद्योग के माध्यम से अचार का उद्योग मिक्स करके तो बेल काफ़ी मात्रा में निकलता है बंडा विधानसभा क्षेत्र। यदि यही उद्योग यहाँ पर छोटा सा उद्योग स्थापित हो जाए तो जो हमारा लखनऊ जाता है जो उचित दाम हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को मिलना चाहिए वो मजदूर नहीं मिल पाते। 150 रुपये दिन के हिसाब से भी कम में वो दिन भर मजदूरी करते हैं, वही जो बेल का उत्पादन बाहर भेजते हैं वो कई गुना अधिक, मुझे लगता है कि शायद 1500-1600 रुपये क्विंटल के आसपास का उत्पादन उनको मिल सकता है, तो यहाँ पर 150 रुपये क्विंटल में वो तोड़ के दे दिया। रतनपुर में काला पत्थर जिनकी जमीन थी वो केवल मजदूर बनकर रह गए, बाहर जाके ब्लैक स्टोन के नाम से कितना महंगा बिकता है आप सबको पता है। सागर में पॉलिश करके कोई पत्थर जो उठाज के लगाते हैं किचन में वो कितना गुना अधिक मिलता होगा। यदि यही पॉलिशिंग बंडा विधानसभा क्षेत्र में कहीं फैक्ट्री लग जाए तो वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति रही है कि जिस कारण से वहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और मुझे लगता कि यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप सबका सहयोग रहा, तो मैं
भले ही दल कोई भी हो, हमारा दल छोटा दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस बार 178 विधानसभा चुनाव पर अपने प्रत्याशी खड़े किए होंगे। हमारा गोड़वाना से समझौता है। इस बार हम जैसे बोलते कि मजबूर सरकार, मैं मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार स्वयं बनाने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है इस बार मैं इतनी ताकत से सीटें जीत के आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की। मैं किंग मेकर नहीं रहूंगा। हो सकता है कि बहन हमारी कुमारी बहन मायावती जी का आदेश हुआ तो इस बार बहुत बड़ा कुछ खेल होने वाला है। और ये आने वाले समय में आप पूरे विधानसभा में देखिए बहुजन समाज पार्टी के कितने विधायक जीत के आएंगे, तब पता चलेगा सरकार में कौन मुख्य भूमिका में होगा। तो जब हमारी भूमिका प्रमुख होना चाहिए, ऐसे वहां पर साधन है, संसाधन है, लेकिन उनको दोहन करने का केवल उपाय नहीं किया गया। कैसे हम नगर के लिए पेयजल पर्याप्त शुद्ध पानी देने का काम कर सकें, वो भी हमारे विजन में। सायगढ़ में पेयजल की समस्या है, वो भी हमारे विजन में। सायगढ़ में नाच नदी परियोजना काफी वर्षों से रखी हुई है। मेरा उद्देश्य है और आने वाला लक्ष्य भी है कि मैं उस लाच नदी परियोजना को किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा मुझे, मैं उसको निश्चित रूप से स्वीकार करवाने का प्रयास ही नहीं करूँगा, करा के रखूँगा। क्योंकि मैं बंडा विधानसभा में सागर से आता हूँ, तो एक मेरा वहाँ पर देखता रहा तो पीड़ा भी है कि नाच नदी परियोजना होने से केवल पेयजल की समस्या नहीं होती, वहाँ पर हमारे 12-13 गाँव के लगभग 7,500 हेक्टेयर जो जमीन सिंचाई की है उन किसानों के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, तो उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, साथ में व्यापार भी बढ़ेगा। यदि किसी उत्पादन बढ़ता है तो निश्चित रूप से देश की हमारी 75% आबादी प्रतिनिधि नहीं था जो सदन में बात रख सके। मुझे लगता है कि आने वाले बीला डैम के लिए पोषक नहर में जोड़ने का काम करूंगा, जिससे 13,000 हेक्टेयर जो जमीन है उसमें पर्याप्त पानी प्रति वर्ष मिले, जिससे किसानों का खुशहाल जीवन होगा। इन विषयों को लेकर हम काफी आगे जनता के बीच में जा रहे अपनी बात रख रहे हैं। और यदि समय अच्छा रहा तो मेरा जो विजन है, मेरी जो कल्पना है, मेरा जो संकल्प है कि मैं जनता की सेवा इस माध्यम से करना चाहता हूँ, इस उद्देश्य के लिए चुनाव में आया हूँ। राजनीति में तो सभी करते, सेवा का माध्यम सभी चुनते राजनीति कि राजनीति के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफार्म मिलता है जनता की सेवा करने का। तो मेरा केवल पद पाने का उद्देश्य नहीं है, कैसे भी हो एक केवल सशक्त माध्यम है राजनीतिक क्षेत्र सेवा करने का, जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मजबूती से रख सकते हैं। इस उद्देश्य से मैं विधानसभा में आया हूँ और बहुजन समाज पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो बहुजन समाज पार्टी के मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार भी मानता हूँ। लेकिन सबसे मेरे सामने बड़ा विषय है कि मैं जनता के बीच अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ, और जनता के बीच पहुँचाने के लिए आप सबके सहयोग के बिना मैं नहीं पहुँचा पा रहा था। तो मुझे लगा कि ये सागर जिले का आप सब मैं प्रेस के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाऊं, और आपका सहयोग अपेक्षित आने वाले समय में भरपूर रहा। तो जो हमारे पिछड़ेपन का कारण है बंडा विधानसभा का, उसमें आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। जो आने वाले समय में जनता भी आपके लिए नतमस्तक रहेगी कि हमारे प्रेस के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी, हमारी बात आने वाली सरकार जो भी बनेगी बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो उस तक हमारा प्रतिनिधि जाएगा, उसमें आपकी भूमिका रहेगी। मैं तो चाहता हूँ चुनाव लड़ने का यही कारण नहीं कि मेरे जो पिछड़ेपन का कारण है बंडा विधानसभा का, उसका कठोर विकास करने के उद्देश्य में प्रत्याशी हूँ। और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे अच्छा उपयोग प्रत्याशी समझा, अच्छा व्यक्ति समझा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जीत कर जा सकते। उन्होंने अपने मदद किया, मैं उसे चुनाव भाजपा से
चुनाव की तैयारी सबसे पहली शुरुआत आपने की थी टिकट मांगने की, क्या कारण रहे कि भाजपा ने आपको ध्यान दे दिया? टिकट मांगने का सबको अधिकार है लोकतंत्र में, सभी मांगे थे। मैं भी प्रयास कर रहा था लेकिन जातिवाद के आधार पर मुझे वहाँ से वंचित किया गया। तो अब जातिवाद सीधा सीधा आपको दिखता है कि वर्ग विशेष को मात्र दिया जा रहा, तो मेरे मन में पीड़ा है इस बात की, भंडा विधानसभा क्षेत्र का तो ऐसे में प्रकाश दूर रह जाएगा, तो उसके लिए मैंने पार्टी को तय किया। क्या आपका विजन है बंडा विकास के लिए? मेरा विजन है कि संपूर्ण विकास में दूसरी विधानसभाओं की तरह मैं भी बंडा विधानसभा समग्र क्षेत्र में विकास करने का मेरा संकल्प है, तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। कितनी वोटों से जीत की उम्मीद है आपकी? अभी तो जनता तय करेगी। मैं तो अपेक्षा रखता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान हो और उस मतदान में हमारा परसेंटेज बहुत अधिक हो। मैं मानता हूँ कि मैं 51+ पर जाऊँगा और 51+ आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी जीत है। जिस प्रकार आपने कहा कि भाई भाजपा से वो भंग हो गया, तो सुधीर यादव भी तो टिकट की डिमांड कर रहे थे, वो भी तो आपके साथ हैं। और जिस प्रकार आपने कहा जातिवाद, बंडा में 3-4 जातिवाद कांड हुए, उनमें आपका कहीं कहना चाहिए मूवमेंट नहीं दिखा। फैक्ट्री की बात की तो फैक्ट्री में आपने 10 साल से, आज आपने क्षमा मांगी, मेरे पास भी लेटर भेजे, तो आप तो बहुत पहले इसको बंद करा सकते थे। जिस प्रकार आपने अन्य विधानसभाओं को कहा है कि विकास है, तो नरियावली विधानसभा में विकास नहीं है, बंडा क्यों देख रहा आप सबके लिए? बंडा विधानसभा पिछड़ेपन का कारण है, विकास नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि जिस दृष्टि से समस्त विधानसभा होगा उस अनुपात में बंडा विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। तो बंडा विधानसभा अखाड़ा का मैदान क्यों बना है चुनाव के लिए? नहीं, ये तो आप बंडा विधानसभा में प्रत्याशी अधिक हो सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ बंडा विधानसभा में अखाड़ा, लेकिन दूसरी विधानसभा पूर्व से सशक्त प्रत्याशी है। तो पटना विधानसभा को जाना का समझ नहीं आए लोगों ने कि यहाँ पर चले जाओ, वो कोई भी कार्यक्रम लड़ने के लिए तैयार हो जाए। पटना विधानसभा तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, पटना विधानसभा क्षेत्र की जनता स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्ति में यदि जातिवाद नहीं, योग्यता है उसमें, क्षमता है, जनसेवा है, तो जनसेवा के लिए लड़ने का प्रयास। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट प्रेसिडेंशियल स्वीट बैग डॉर्मेट्री, बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर MP, फोन 9302290822।